चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एससीओ समिट से वापस अपने देश लौटने पर उनकी कथित गिरफ्तारी से जुड़े कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर जोर पकड़ रही है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों के मुताबिक समरकंद में एससीओ समिट से आने के पहले शी जिनपिंग को उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सेना के अध्यक्ष की जिम्मेदारी से हटा दिया था। इसके बाद देश लौटने पर उन्हें झोंगनानहाई स्थित उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस दावे को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी ट्वीट कर चुके हैं। हालांकि अभी तक खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। दरअसल ट्विटर पर मौजूद चीनी यूजर्स ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि सेना ने समरकंद से लौटने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया है। चीन पर रिपोर्ट करने वाली न्यूज वेबसाइट न्यू हाईलैंड विजन के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति को हाउस अरेस्ट पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ और पूर्व चीनी प्रीमियर वेन जियाबाओ के कहने पर किया गया है, जिन्होंने स्थायी समिति के पूर्व सदस्य सोंग पिंग को चीन की सेंट्रल गार्ड ब्यूरो सीजीबी का नियंत्रण वापस लेने के लिए मना लिया था।